सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे इक्विपमेंट की जिसे आपने अक्सर वीडियो गेम्स और मूवीज में देखा होगा। हम बात कर रहे हैं साइलेंसर्स की, जिन्हें अक्सर फायर आर्म्स यानी कि गन्स की आवाज को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये किसी नॉर्मल से मेटेलिक ट्यूब की तरह दिखने वाला साइलेंसर काम कैसे करता है और आखिर इसमें किस प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से ये असॉल्ट राइफल जैसी गन्स की आवाज को भी कम कर देता है। तो आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एक साइलेंसर किस तरह किसी गन की आवाज को बहुत कम कर देता है, ये बात बहुत से लोगों को हैरान जरूर करती होगी। लेकिन वास्तव में साइलेंसर एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल पर काम करता है। मान लीजिए आपके पास कोई बलून यानी कि एक गुब्बारा है जिसमें हवा भरी हुई है, और अगर आप उस बलून में कोई पिन चुभाते हैं तो वो एक तेज आवाज के साथ फट जाएगा। लेकिन अगर आप इसी बलून के अंदर भरी हुई हवा को उसी के इनलेट से धीरे धीरे बाहर निकालते हैं तो वो बहुत ही कम आवाज के साथ बाहर निकलती है। और यही बेसिक सा आइडिया गन साइलेंसर में भी काम करता है। जब हम किसी गन से बुलेट को फायर करते हैं तो उस बुलेट में लगा हुआ गन पाउडर इग्नाइट होता है, और उस गन पाउडर के इग्नाइट यानी कि उस गन पाउडर के जलने से गर्म गैस की एक बहुत ही हाई प्रेशर पल्स जनरेट होती है, और गर्म गैस का यही हाई प्रेशर बुलेट को गन के बैरल से आगे की ओर धकेलता है। और जैसे ही बुलेट गन के बैरल से बाहर निकलती है तो उस बुलेट के पीछे जो गैस का हाई प्रेशर होता है वो भी एक बड़ी अमाउंट में बाहर को निकलता है, और इस बुलेट के पीछे का प्रेशर करीब 3000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच तक होता है। और जैसे ये प्रेशर एक बड़े एनवायरनमेंट में आता है तो ये एक बहुत ही ज्यादा आवाज जनरेट करता है। और जब हम इसी गन के बैरल में किसी साइलेंसर को लगाते हैं तो साइलेंसर का वॉल्यूम गन के बैरल से करीब 20 से 30 गुना ज्यादा होता है। और वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब है उस साइलेंसर के अंदर की जगह गन के बैरल के अंदर की जगह से ज्यादा होती है। और जैसे ही बुलेट साइलेंसर के अंदर जाती है तो उसके पीछे की प्रेशराइज गैस को एक्सपेंड होने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है, और इस वजह से उस गैस का प्रेशर काफी कम हो जाता है। और जैसे ही बुलेट साइलेंसर से बाहर निकलती है तब तक उस गैस का प्रेशर 3000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच से घटकर केवल 60 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच तक ही रह जाता है। और इसी वजह से साइलेंसर से फायर की गई गन से निकलने वाली बुलेट की आवाज बहुत ही कम होती है। और साइलेंसर के अंदर भी अलग अलग डिजाइन में फिन्स बने होते हैं, और ये फिन्स उस प्रेशराइज गैस को अलग अलग स्टेजेस में धीरे धीरे कम करते रहते हैं। और मौजूदा समय में बेसिकली दो तरह के साइलेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं, एक बैफल स्टैक और दूसरा मोनोकोर। बैफल स्टैक साइलेंसर के अंदर कुछ इस तरह का डिजाइन होता है, और जबकि मोनोकोर साइलेंसर के अंदर इस तरह का। और इन साइलेंसर्स को स्टील, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम जैसे मेटल से बनाया जाता है, और इन साइलेंसर्स को साउंड सप्रेसर के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत से देश तो ऐसे हैं जहां इन साइलेंसर्स को गन्स के साथ इस्तेमाल करना कंपलसरी है, क्योंकि एक तो इसका इस्तेमाल करने से गन के ऑपरेटर के सुनने की क्षमता को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, और साथ ही इससे नॉइज पॉल्यूशन भी कम होता है। और जबकि कुछ देशों में सिविलियन यूज के लिए साइलेंसर का इस्तेमाल बैन किया गया है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।